सो आपका अलजेब्रा फाउंडेशन में, अलजेब्रा के अंदर आपका पॉलिनोमियल चैप्टर आता है मेनली। पॉलिनोमियल के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन, इन टू वेरिएबल। आपके अगर टेंथ के पूरे सिलेबस की बात करें तो टोटल जो है 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर्स में जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के अलावा सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, और थर्ड चैप्टर जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फोर्थ चैप्टर जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ चैप्टर जो है आपका एपी, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और सिक्स्थ चैप्टर है आपका ट्रायंगल, और सेवन चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एट चैप्टर है आपका ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहते हैं। नाइन्थ चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ओटी कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका यूज कहाँ है, यूज क्या क्या है वो चीज सीखेंगे। देन टेंथ चैप्टर है आपका सर्कल, 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, और 12th चैप्टर है आपका, चैप्टर 12 जो है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 13th चैप्टर जो है आपका मेंशुरेशन कहते हैं, या सरफेस एरिया वॉल्यूम कहते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम कह सकते हैं। 14th चैप्टर जो है आपका स्टैटिस्टिक्स, 15th चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी, ये टोटल 15 चैप्टर है। अब हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, और 9th से ये चैप्टर डिफरेंट कैसे है ये भी जानेंगे। रियल नंबर 9th में भी पढ़ा था आपने, रियल नंबर 9th में आपने क्या सीखा था, डिफरेंट टाइप्स का नंबर था आपके पास, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इसके अलावा किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइंस पे कैसे प्लॉट करते हैं, और इसके अलावा किसी नंबर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, इन सब बातों के बारे में जाना था। अब जो है यहाँ आप जो 10th क्लास में कॉन्सेप्ट है कि आपका दो नंबर जो है उसका एलसीएम कैसे फाइंड किया जाएगा, एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाएगा, कोई नंबर जो कोई नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, रैशनल कैसे प्रूफ करेंगे, या कोई नंबर जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे हम फर्स्ट चैप्टर में। देन उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल, आपका 9th में भी पॉलिनोमियल था, 9th में आपका सेकंड चैप्टर ही सेम चैप्टर पॉलिनोमियल का होता है। सो 9th में आपने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था, एनी आइडिया, हाँ क्या पढ़ा था, इक्वेशन को हमें सॉल्व करना, डिवीजन एल्गोरिथम। सिमिलरली यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, 9th में आपने सीखा था कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कोफिशेंट क्या है, या पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे बनाया जाए, मिडल उसमें इसके अलावा मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा था, डिवीजन एल्गोरिथम सीखा था। 10th में भी कुछ ऐसा ही है, 10th में भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग एक बार फिर से सीखेंगे, और इसके अलावा डिवीजन एल्गोरिथम को भी एक बार फिर से जानेंगे। और हमने पॉलिनोमियल में 9th में बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, मतलब x की पावर 4, मैक्सिमम पावर 4 वाला इक्वेशन भी हम पढ़ेंगे। देन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 9th में भी सेम चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ जो आपके पास होता था एक लीनियर इक्वेशन दिया जाता था टू वेरिएबल का, उसको बोला जाता था सॉल्यूशन निकालो और ग्राफ पे प्लॉट करो। यहाँ क्या हो जाएगा आपका दो, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का एक्चुअल में नेम है, इट्स अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन का आपको पेयर दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा ग्राफ पे प्लॉट करो, कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगी उसको बोला जाएगा उसमें वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में, उसमें इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। देन उसके बाद सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, कौन से इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं वो सारी चीज़ें जानेंगे। 9th में भी आपने पढ़ा था ना,
कि भाई जो आपका टू वेरिएबल इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन होते थे, हाँ टू वेरिएबल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते थे, टू वेरिएबल इक्वेशन के इनफाइनाइट। सिमिलरली यहाँ पर भी हम सीखेंगे कि भाई वन सॉल्यूशन कैसे होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, मल्टीपल सॉल्यूशंस कैसे होगा, कब वो नो सॉल्यूशन होगा, ये सारी बातचीत जो है हम चैप्टर में करेंगे। देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाइन्थ में था क्वाड्रेटिक, नाइन्थ में नहीं था क्वाड्रेटिक, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थोड़ी बहुत बातचीत की थी, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से चैप्टर है। पॉलिनोमियल अलग चीज़ होता है और इक्वेशन अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को कंबाइन करके एक मैथमेटिक एक्सप्रेशन हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। यहाँ और इक्वेशन होता है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को जीरो से कंपेयर करवा देते हैं, जब किसी पॉलिनोमियल्स को जीरो से कंपेयर करवा देते हैं, दैट इज कंसीडर एज द इक्वेशन। और यहाँ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको बोलेंगे जिसके ऊपर मैक्सिमम पावर टू हो जाए, कोई भी इक्वेशन जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके भाई रूट दो रूट होंगे, तो नाइन्थ में हमने बस खाली दो ही एक ही मेथड सीखा था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यहाँ तीन मेथड सीखेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसके अलावा आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तीन मेथड से हम जीरोज निकालना सीखेंगे। देन उसके बाद एपी, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको किसी नंबर का सीक्वेंस दे दिया जाता है, किसी नंबर का सीक्वेंस दे दिया जाता है, उस सीक्वेंस को बोला जाता है आपको कि भाई आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है, या इसका जो है अगर मान लो आपको चार पांच नंबर का सीरीज दे दिया, दो चार छः आठ इस तरीके से दे दिया, और बोला कि भाई इसका 50वां टर्म कौन सा हो जाएगा, 100वां टर्म कौन सा हो जाएगा, इनका सम क्या हो जाएगा 10 टर्म का, वो सारी बातें यहाँ सीखेंगे। देन उसके बाद ट्रायंगल, नाइन्थ में भी पढ़ा था और यहाँ भी है, डिफरेंस क्या है, नाइन्थ में हमने जो ट्रायंगल पढ़ा था वहाँ हमने कॉन्ग्रेंस करना सीखा था ट्रायंगल को, यहाँ पर हम सीखेंगे सिमिलर करना सीखेंगे। कॉन्ग्रेंस और सिमिलर में डिफरेंस क्या होता है, कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है भाई दो ट्रायंगल जिसमें तीन साइड्स इक्वल हो जाए, एंगल इक्वल हो जाए और विद साइड्स, यहाँ हम बोलेंगे, और इसके अलावा हम बोलते थे भाई वो वहाँ जो एक एक कंपोनेंट्स क्या होगा दूसरे ट्रायंगल के बिल्कुल इक्वल होगा, यहाँ बोलते हैं सारे के सारे इक्वल नहीं होंगे, साइड का रेशियो इक्वल होता है, मतलब कि जैसे हम बात करें हमारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हमारी जो है उसी पासपोर्ट साइज को एक बड़ा फोटो बना दिया, तो दोनों के दोनों क्या है सिमिलर है, एक जैसा मतलब बिल्कुल इक्वल तो नहीं है बट सिमिलर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाइन्थ में भी था और टेंथ में भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा एडवांस है, नाइन्थ में आपने बस ग्राफ प्लॉट करना सीखा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट का एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये सब सीखा था। अब यहाँ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखेंगे अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये चीज़ सीखेंगे। अगर मान लो कोई तीसरा पॉइंट बीच में आ जाता है, उसको बाइसेक्ट कर जाता है किसी कारण से, डिवाइड करता है किसी रेशियो में, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उसके बारे में जो है हम सेवन चैप्टर में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री, एट चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों चैप्टर आपके लिए नया है, इससे पहले आपने अभी नहीं पढ़ा है, सो अभी हम जानेंगे भी नहीं इसके बारे में, जब आएगा तो ही हम देखेंगे। देन सर्कल, सर्कल आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था, अब यहाँ भी है, टेंथ में और नाइन्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है, नाइन्थ में हाँ कुछ चीज़ें यहाँ एक्स्ट्रा है, जैसे टेंजेंट हो गया, नाइन्थ में नहीं था टेंजेंट, सेक्टर हो गया, इसके अलावा सेगमेंट हो गया, तो इन सब चीज़ों को वहाँ डेप्थ में नहीं पढ़ा था, यहाँ हम थोड़ा सा जानेंगे। कंस्ट्रक्शन में भी यहाँ पे नाइन्थ में कंस्ट्रक्शन में एंगल बाइसेक्ट करना सीखा था, ट्रायंगल कैसे फॉर्म करते हैं ये चीज़ सीखा था, यहाँ हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि ट्रायंगल एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल को मतलब एक फिक्स रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। इसके अलावा सीखेंगे कि कोई सर्कल है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है, फिर आएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब जो सर्कल था ना, सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अब बोलोगे सिंपल पाई आर स्क्वायर लगा देंगे सॉल्व हो जाएगा, भाई वो तो आसान है वो हो जाएगा, लेकिन उसी सर्कल में अगर अलग अलग फिगर बना दिया जाए, जैसे ऐसा बना दिया गया और आपको बोला ये वाला एरिया चाहिए सेगमेंट का, तो कैसे फाइंड करोगे, या मान लो अगर आपके पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक सर्कल निकाल दिया गया,
तो इसका जो रेस्ट ऑफ सर्कल निकालने के बाद रेस्ट ऑफ ऑल एरिया क्या होगा, तो ये चीज़ें हम इसमें हाँ तो इसी तरीके से हम सीखेंगे। देन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, नाइन्थ में भी सेम चैप्टर था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाइन्थ में जो है हमने बस खाली हर एक एक्सरसाइज में पर्टिकुलर टॉपिक मतलब पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज था। यहाँ जो होगा ना फिगर सारी की सारी कंबाइंड फिगर होगी, एक ही फिगर में सिलेंडर भी आ जाएगा, कोण भी आ जाएगा, हो सकता है इसके अलावा आपका उसमें हेमिस्फीयर भी आ जाएगा। तो मतलब डिफरेंट फिगर को आपस में कंबाइन करके सरफेस एरिया वॉल्यूम सब कुछ फाइंड करना आ सकता है। स्टैटिस्टिक्स वहाँ मीन मोड मीडियन सीखा था, यहाँ फिर से हम वही मीन मोड मीडियन सीखेंगे। जो नाइन्थ में आपने मीन मोड मीडियन सीखा था वही मीन मोड मीडियन यहाँ फिर से है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। हाँ वो इस बार कटेड था ना, बट एक्चुअल में आता है हर साल। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जो नाइन्थ में प्रोबेबिलिटी था फॉर्मूला वही है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा वर्जन अप कर दिया है, अपग्रेड कर दिया उसको। क्लियर है? तो ये आपका सिलेबस है जो 80 मार्क्स का पेपर बनता है, 15 चैप्टर्स हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इन तीनों को बोला जाता है एलजेब्रा, और ये एपी अलग से चलता है, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनको बोला जाता है ज्योमेट्री का चैप्टर, साथ में कंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, सर्कल भी इंक्लूड हो जाएगा, और साथ मेंसुरेशन में आ जाएगा ये दोनों चैप्टर, ये भी ज्योमेट्री में आएगा, और ये दोनों एक यूनिट में आता है जिसको ट्रिगो बोलते हैं, और ये तो अलग अलग चलता ही रहता है, और ये भी अलग चलता है। तो ये जो है हमारे पास दो चार यूनिट में हमने डिवाइड कर रखा है, आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ यूनिट में हमने पूरे 15 चैप्टर को डिवाइड कर रखा है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम समझते हैं थोड़े से बेसिक पॉइंट। सो अब देखो हम जो है एलजेब्रा की फाउंडेशन करेंगे। एलजेब्रा में सबसे पहले बातचीत करते हैं पॉलिनोमियल की। सो क्या होता है पॉलिनोमियल? या एग्जैक्टली, सो हम बोलेंगे सिंपली अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल कंबाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सो ऑपरेटर मीन्स कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इट्स अ ऑपरेटर, इनको ऑपरेटर्स कहा जाता है। और वेरिएबल होता है भाई ऐसा कोई ऐसी कोई वैल्यू जो बार बार चेंज हो सके हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इट्स जस्ट फॉर नोटेशन, कि हम ये नहीं है कि हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। अगर मान लो मैं लिखता हूँ पी ए स्क्वायर प्लस में क्यू बी प्लस में आर, तो ये विल बी कंसीडर एज द वेरिएबल। यहाँ जो ए है ये वेरिएबल की तरह काउंट होगा, वो डिपेंड करता है कि हम जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं ना उसके अंदर हमने उसको फंक्शन किसका माना है। तो हम वेरिएबल को जनरली एक्स वाई जेड से शुरू से ही नोटेशन करते आए हैं। जो मैथमेटिशियन है उन्होंने एक मतलब कि उन्होंने इस स्टार्टिंग में यही यूज़ किया, तो सो दैट्स वाई हमने बोला भाई एक्स वाई जेड से वेरिएबल को डिनोट कर दो और ए बी सी या पी क्यू आर एस से कॉन्स्टेंट को डिनोट कर दो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम वेरिएबल के लिए एक्स वाई जेड ही ले सकते हैं, आप कुछ और भी ले सकते हो। अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है, टी अच्छा लगता है, एस अच्छा लगता है, यू अच्छा लगता है, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई नेसेसरी नहीं है। क्लियर है भाई इतना? तो देखो पॉलिनोमियल आपका होता है भाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। और हमारे पास जो है पॉलिनोमियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर टर्म के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास अगर सिंगल टर्म है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, जैसे अगर मान लो खाली एक्स स्क्वायर लिख दिया तो मोनोमियल, किसी के साथ एक और जोड़ दिया तो बाइनोमियल, किसी के साथ अगर एक और जोड़ दिया तो ट्राइनोमियल, एक और जोड़ दिया तो टेट्रानोमियल, फिर ऐसे ही पेंटानोमियल। तो मतलब इन सभी को कंबाइन करके क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। देन उसके बाद हमारे पास होता है भाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर मान लो आपके पास है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, या ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इसको क्या बोलेंगे वन वेरिएबल पॉलीनोमियल, इट्स अ वन वेरिएबल पॉलीनोमियल। व्हाई? बिकॉज़ x इज वेरिएबल, ओनली x इज वेरिएबल एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर
में b, y plus में c लिख दिया जाए, it will be considered as the two variable polynomial. Why we have saying it's a two variable polynomial? Yeah, exactly. Here we have x and y. It is one variable and it is other variable. So we are saying it's a two variable polynomial. Similarly, अगर मैं इसी में c z लगा दूं, then it will be considered as the three variable polynomial. समझ पा रहे हो? It's all on the basis of number of variable and number of terms. इसी तरीके से degree of the polynomial के basis पे भी हम divide कर describe करते हैं. अगर मान लो आपके पास है ax plus में by plus में c, it's a linear polynomial. Why we are saying it's a linear polynomial? Because here the power of variable is one. कि अगर किसी polynomial में मैक्सिमम पावर वन हो जाए वेरिएबल का, देन वी विल से इट्स अ लीनियर पॉलीनोमियल. इफ अ डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल इज 0 व्हाट इज पॉलीनोमियल, उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे बिकॉज़ दैट विल नॉट बी पॉलीनोमियल. अगर मान लो आपके पास a है ओनली, इट्स अ a, तो इसको बोलेंगे 0 डिग्री पॉलीनोमियल. इट्स अ 0 डिग्री पॉलीनोमियल. सो इट्स ओनली कांस्टेंट, वो कांस्टेंट कहलाएगा. अब देखो ये जो है आपका ये इट्स अ पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल. देन अगर मान लो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. सिमिलरली ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में c, इट्स अ क्यूबिक पॉलीनोमियल. सिमिलरली अगर ax की पावर 4 प्लस में bx स्क्वायर प्लस में c, इट्स अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. समझ पा रहे हो? सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी आर डिस्क्राइबिंग द टाइप्स ऑफ या एग्जैक्टली हाईएस्ट डिग्री. डिग्री का मतलब पॉलीनोमियल में डिग्री का मतलब ही यही होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज डिग्री. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल. जो मैक्सिमम पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा, मिनिमम को कंसीडर नहीं करेंगे हम. समझ पा रहे हो? यस सर. सो इट्स द टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल. ओके, अब देखो पॉलीनोमियल को अगर हमें इक्वेशन बनाना हो, सो व्हाट वी विल डू बेसिकली, वी विल कंपेयर द पॉलीनोमियल विद द जीरो. अगर किसी पॉलीनोमियल को जीरो से अगर कंपेयर करा दें, सो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द पॉलीनोमियल. नाउ इट विल बिकम द इक्वेशन. लाइक इफ आई विल कंपेयर द ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, देन इट्स नॉट अ पॉलीनोमियल. नाउ इट हैज बिकम इक्वेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि हमने इसको क्या किया है? इक्वेट कर दिया है. समझ पा रहे हो? अगर अगर आप कहते हो कि भाई हम जीरो के बराबर ना इक्वेट करते हैं, मैं इसको डी के बराबर इक्वेट कर देता हूं, या इट्स आल्सो बी इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज़ देखो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c माइनस में d इज इक्वल टू 0, फाइनली तो होगा ये जीरो के बराबर ही ना. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ इक्वेशन. मतलब किसी से भी इक्वेट कर दो, डजंट मैटर जीरो, किसी से भी इक्वेट कर दो, दैट विल बी इक्वेशन, नॉट पॉलीनोमियल. ओके, सो अब जो है हम यहां जो सीखेंगे इसमें आपका पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद लीनियर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो है क्यूबिक के बारे में भी जानेंगे. सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म तो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c. इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, नॉट इक्वेशन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, दिलो दिमाग में बसा लो अच्छे से. तो x स्क्वायर के साथ में जो नंबर होता है उसको क्या बोलेंगे भाई? a. x के साथ में जो नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे? b. और जो एक कांस्टेंट टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? c. समझ पा रहे हो? अब मान लो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे दिया भाई 2x का स्क्वायर माइनस में 7x, 2x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 9, या प्लस में 9 ले लो या माइनस में 9 ले लो, माइनस में 9 ले लिया. ये बोला हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है. अब आपको बोला भाई इसके जीरोस फाइंड करके दिखाओ, तो हाउ मेनी जीरोस दे हैव? सो जीरो, जीरोस का मतलब होता है, जीरो क्या होता है भाई? वेरिएबल की वो वैल्यू जो कंप्लीट पॉलीनोमियल को क्या कर दे? जीरो के बराबर कर. सो जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल का मतलब होता है कि भाई वेरिएबल की वो वैल्यू जो कंप्लीट इक्वेशन की वैल्यू को क्या कर दे? जीरो के बराबर कर दे.
सो हमें यहाँ पर x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो कंप्लीट इक्वेशन को जीरो बना दे। तो याद रखना किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे वो डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री डिसाइड करेगा कितने जीरोस होंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर कह सकते हो या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हो। ठीक है भाई। सो यहां इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, टू जीरोस, क्वाड्रेटिक के टू, क्यूबिक के तीन और बाइक्वाड्रेटिक के चार। तो यहां हमारे पास दो जीरोस होंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है नहीं आती, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले क्या करना है भाई, मिडल टर्म स्प्लिटिंग समझते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में ए और सी है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका फैक्टर बना लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे, लेट्स अस्यूम यहां क्या है ए 2 और सी क्या है माइनस का 9, नॉट ओनली 9 इट्स अ माइनस का 9। तो 9 2 क्या हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा। अब भाई 18 का फैक्टर बनाओ, 18 का फैक्टर सर 2 9 3 3 3 1 ये बना। अब भाई हमें है ना इसको इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पे हमें माइनस 7 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे उल्टा तो ये मिलेगा ही मिलेगा। सो बस इतना याद रखना, फैक्टर बनाने के बाद इन नंबर्स को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पे क्या मिल जाए, माइनस का 7। सो हाउ वी विल राइट दिस नंबर टू गेट द माइनस 7, कैसे लिखेंगे? पेयर बनाओ, 3 3 9, अगर मैं 9 में से 2 माइनस कर दूं देन आई विल गेट द 7। बट व्हाट आई हैव रिक्वायर्ड, आई हैव रिक्वायर्ड माइनस 7। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, 2 माइनस में से 2 माइनस में 9 कर सकते हैं, बिकॉज़ 2 माइनस 9 करने से वी विल गेट द माइनस 7। सो हमें अब इस वाले मिड वाले टर्म को, जो ये वैल्यूज आया ना मिड वाले टर्म की जगह 7 की जगह क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करके माइनस 7 माइनस 9 ब्रेक डाउन करके 2x माइनस में माइनस में 9x में रख देना है। बाकी बात जो जैसा है वैसा ही रहने देंगे, बाकी को कोई छेड़छाड़ नहीं करना, याद रखना। इतना क्लियर है? अब इसमें से पेयर बना दो, दो दो का पेयर बनाने के बाद जो जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है निकाल लो। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 2x अंदर बच गया, x प्लस का 1, यहाँ से माइनस माइनस। अब यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 1 बाहर निकालो, सो व्हाट विल गेट, 2x माइनस में 9, अब 1 आ जाएगा, इट्स अ फैक्टर, इट्स अ फैक्टर। अब फैक्टर को जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। 9th क्लास में बस हमने यहाँ तक सीखा था, अब 10th में इसको जीरो से रिकम्पेयर करा देंगे। सो हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1 एंड हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके और x इज इक्वल टू 9 बाय 4। ओके, इट्स अ क्लियर? सर एक चीज पूछनी है सर, मेरे को ये बात बता, जो आपने अभी बताया ना कि फाइनल x प्लस 1 y x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम जीरोस निकाल रहे हैं ना, अभी हमने फैक्टर बनाया, तो फर्स्टली वी हैव टू मेक द फैक्टर, देन वी हैव टू इक्वेट दैट फैक्टर विद द जीरो फॉर गेटिंग द वैल्यूज जीरोस। हम इसके जीरोस फाइंड कर रहे हैं ना वेरिएबल के, तो इसको जीरो से कंपेयर कराएंगे तभी तो जीरो मिलेगा हमें। सो दैट्स व्हाई हमने इसको जीरो से कंपेयर करा दिया। क्लियर है? चलो फटाफट इसको छाप लो, छापने के बाद एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। यू हैव टू डू, मैं इसको डिलीट कर रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, इक्वेशन यहां लिख रहा हूं भाई, 9x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 2, ये है हमारे पास। माइनस में 2x माइनस का 2।
अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा नाइन एक्स, अंदर बचेगा एक्स प्लस में वन, यहाँ से माइनस टू कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा एक्स प्लस में वन। अब एक्स प्लस में वन बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा नाइन एक्स माइनस में टू। अब इन दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे जीरो फाइंड करने के लिए, फैक्टर तो बन गया, जीरो फाइंड करने के लिए जीरो के बराबर रखेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू टू बाय नाइन। समझ पा रहे हो, ये हो जाएगी वैल्यू, क्लियर है, तो ये हमारे जीरोस हो गए। अब देखो आपका क्वेश्चन जो था, जैसे यहाँ पे लिखा भाई नाइन एक्स स्क्वायर प्लस में नाइन एक्स माइनस में टू एक्स, आप ऐसे लिख सकते हैं टू एक्स प्लस में नाइन एक्स माइनस में टू एक्स स्क्वायर। अब इस सिचुएशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, आंसर सेम आएगा। देखो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे एक्स, अंदर बचेगा नाइन एक्स माइनस में टू, अब यहाँ से क्या आएगा प्लस वन, जिसका कोई नहीं उसका वन, अंदर नाइन एक्स माइनस टू। अब नाइन एक्स माइनस टू फिर से कॉमन निकालो, अंदर बचेगा एक्स प्लस में वन, दोनों को सेपरेटली जीरो के बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से नाइन एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू टू बाय नाइन और यहाँ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। देखो आंसर सेम आया, चाहे कुछ भी कर लो आंसर भी करते, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन घर के लिए उसको सॉल्व करना है आपको, इसी में कर लेना। इसमें हमने जीरो से कंपेयर करा दिया, जीरो से कंपेयर कराने पे क्या होगा, जीरोस फाइंड करेंगे तभी तो वैल्यूज आएगी ना एक्चुअल। तो ये माइनस टू उधर जाके प्लस हो गया, नाइन का मल्टीप्लाई होगा इधर जाके डिवाइड हो गया। मैं वो आपका साइन के टू के साथ ये भी सॉल्व करते हो जाए भाई, नहीं अभी क्या बाद में करना है। सो ये तीनों इक्वेशन जो है सॉल्व करके लाना है, ठीक है, ओके। फिर आज के लिए इतना ही, बाकी बातचीत जो है नेक्स्ट क्लास में फाउंडेशन डे टू में।